नमस्कार, मैं हूँ रवि प्रकाश। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में भी बच्चों को लेक्चर दे रहे थे। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। 4 साल पहले 27 जुलाई को उनका निधन मेघालय के शिलांग में हुआ था। यहाँ वो लेक्चर देने गए थे। कलाम ने अपने आखिरी कुछ घंटे ऐसे बिताए जो यादगार है। उनकी आखिरी इच्छा, उनके आखिरी शब्द सब बताते हैं कि वो देश के लिए कितना सोचते थे। भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम IIM शिलांग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। 83 वर्ष के कलाम दुनिया से विदा ले चुके थे। APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे। उन्होंने कई व्याख्यानों में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में अखबार भी बेचे। 8 साल की उम्र से ही कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, वहाँ से गणित पढ़ने निकल जाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज पढ़ते और उसके बाद वो सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटते थे। कलाम एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे अपनी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर को वजह बताते हैं। वो कहते हैं, वो हमारे अच्छे टीचर्स में थे। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इसका उत्तर नहीं दिया, तो अगले दिन वो सभी बच्चों को लेकर समुद्र किनारे चले गए। वहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे, कुछ समुद्र के किनारे उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ उन्होंने हमें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में सहायक होता है। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें मेरे अंदर इस कदर समा गई कि मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ। उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊँ। मैंने बाद में फिजिक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई की। 1962 में कलाम इसरो में पहुँचे। इन्हीं के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल भारतीय तकनीक से बनाई। 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में 2री बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया।